मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि AES पीड़ित दो बच्चों का इलाज SKMCH के पीकू वार्ड में हो रहा है। वहीं चमकी बुखार से पीड़ित एक बच्ची जिसकी उम्र 3 बरस बताई जा रही है, केजरीवाल हॉस्पिटल में मौत हो गई है। वो समस्तीपुर की रहने वाली है। उसमें AES की पुष्टि हुई है। SKMCH के अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार शाही ने बताया कि SKMCH में AES से दो बच्चे पीड़ित हैं। कुल 40 बच्चों में AES के लक्षण पाए गए हैं, जिसमें SKMCH में इलाजरत 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में इलाज हुआ है, ये एक शिवहर का है, एक समस्तीपुर का है, और KD कैम्प में इसका इलाज चल रहा था, और KD कैम्प में ही एक केस को रेफर किया था जो शिवहर का था। SKMCH रास्ते में ही एक्सपायर कर गया, और जैसा सुप्रिटेंडेंट साहब से बातचीत में पता चला कि उसको डायरिया था, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया भी इन्होंने बताया है KD कैम्प वाले, और दूसरा भी हाइपोग्लाइसीमिया का है जो इस माना जाता है। तो हम लोगों ने तुरंत DB ऑफिसर्स हैं जो AES के नोडल ऑफिसर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनर ऑफिसर्स, उनको बुला करके उसकी समीक्षात्मक जांच करें, देखें किस परिस्थिति में ऐसा हुआ है।